सिल्ली बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर की तीरंदाज निवेदिता कुमारी का चयन जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के लिए किया गया है। जानकारी देते हुए कोच प्रकाश राम ने बताया कि आगामी 3 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक होने वाले 42वें जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप गोवा में आयोजित की गई है। इसके लिए पिछले दिनों JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित जूनियर नेशनल तीरंदाजी सिलेक्शन ट्रायल में निवेदिता का भी चयन किया गया है। निवेदिता पिछले 1.5 वर्षों से आर्चरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इतने कम समय में अपने मेहनत और लगन से जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। सूचना पाकर निवेदिता की माता पिता एवं बड़े भाई सेंटर पहुंचे, ढेर सारी बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उनके इस सफलता पर, इनके चयन पर बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी के मुख्य संरक्षक सुदेश कुमार महतो, अध्यक्ष नेहा महतो, अंतर्राष्ट्रीय कोच प्रकाश राम, गुंज परिवार के संयोजक जयपाल सिंह, अध्यक्ष सुनील सिंह, ब्रजेश प्रसाद, वाहिद अली आदि ने शुभकामना देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। सोरा न्यूज सिल्ली से तारकेश्वर महतो। यहाँ सिल्ली तीरंदाजी केंद्र में आए हैं कुछ खास कारण आपका, आप लोग ऑल फैमिली आए हैं? अच्छा, देखिए दो तीन कारण है, सिर्फ एक कारण नहीं है। एक तो मेरा बहन को झारखंड टीम में सिलेक्शन मिला है। फिर दुर्गा पूजा, हम बंगाली लोगों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो दुर्गा पूजा में मुलाकात नहीं हुआ। फिर काली पूजा का भी है, एंड सर लोगों को तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना था, बधाई भी देना था, एंड बहन से मिलना भी था, इसीलिए हम सब मिल के आए हैं। मैं विश्वजीत हूँ, मैं निवेदिता का भैया हूँ। ये मिस्टर दीनानाथ घोष है, उनका पिताजी है, एंड श्रीमती सुमाना घोष हमारा मम्मी जी हैं। तो मेरा पिताजी IIT खड़गपुर में काम करते हैं, एंड मेरा मम्मी वेस्ट बंगाल नर्सिंग सर्विसेज में, वहाँ पे नर्स है। हम लोग धनबाद के रहने वाले हैं, लेकिन काम के लिए मम्मी पापा लोग खड़गपुर में रहते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, ऑल फैमिली आपसे मिलने आए हैं और आप सेलेक्ट भी हुए हैं झारखंड टीम में? ये मेरा पहला नेशनल्स है आर्चरी में। खुशी हो रही है कि हम 1.5 साल के अंदर सिलेक्ट हुए हैं झारखंड टीम के लिए। तो एक्चुअली हम 2020 में फर्स्ट टाइम 26 दिसंबर सिल्ली आए थे, क्योंकि खड़गपुर में आर्चरी था नहीं, तो जहाँ पे हम लोग रह रहे थे। तो हम आए, फिर मेरे को अकेडमी अच्छा लगा, फिर हम लोग सुदेश सर से मिले, फिर उनसे भी बातचीत हुआ। तो पहले तो मम्मी पापा का उतना मन नहीं था, घर से इतना दूर भेजेंगे बेटी को। फिर मेरे भैया मम्मी पापा को मना लिए कि अगर बहन को करना है तो आप लोग एक बार मौका देके देखिए। तो फिर हम 2021 में फरवरी में सिल्ली आए। फिर सर लोग मेरे ऊपर इतना एफर्ट्स लगाए, फिर इतना अच्छे से गाइड किए, फिर बीच बीच में सुदेश सर भी मोटिवेट करते रहे, और मतलब सबका सपोर्ट के वजह से आज हम फाइनली पहला नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और हमें बताना चाहेंगे कि जितना सपोर्ट मेरे को आर्चरी के लिए सर लोग से मिलता है, उतना ही सपोर्ट मेरे को पढ़ाई के लिए भी मिलता है। मतलब भले हम भूल जाए कि मेरा स्कूल है, लेकिन सर लोगों को याद रहता है कि निवेदिता कल तुम्हारा स्कूल है, तो स्कूल भी जाना है और एग्जाम्स भी आ रहा है, तो एग्जाम्स में भी फोकस करना है। तो मतलब मेरे से ज़्यादा टेंशन, मेरे से ज़्यादा एफर्ट्स तो मेरे ऊपर सर लोग ही लगाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के मेरे फ्रेंड्स को भी थैंक यू तो बोलना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्रेंड्स साथ नहीं देते तो शायद काम आसान नहीं हो पाता है। तो हमको मतलब कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम घर छोड़ के इतना दूर आए हैं। तो अच्छा लगता है हॉस्टल में रहने के लिए, और सबके साथ मिलजुल के रहते हैं हम लोग। और फिर सर सुदेश सर, नेहा मैडम, फिर हमारे कोचेस, फिर भाभी मैडम और हमारे सारे सीनियर्स, जैसे मधुदी हो गई, सिंपी दी, अनीता दी, सारे सीनियर्स लोग भी गाइड करते हैं हम लोग को अच्छा से। और आज सच में हमको खुश महसूस हो रहा है। तो सिल्ली के लिए आप क्या अभी जो जा रहे हैं नेशनल गेम में, कुछ वहाँ से जीत कर आएंगे? ज़रूर कोशिश तो जारी रहेगा, ताकि हम जितना अच्छा से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हम लोग सेम टाइप का एफर्ट्स गेम टूर्नामेंट में भी दे पाए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर देता है परफॉर्मेंस को। हम कोशिश करेंगे ताकि वो सारे चीज़ को ध्यान रखते हुए अच्छे से परफॉर्म करें।